शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया में मैंने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इसमें आग बंद करके पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी नेटवर्थ ज़्यादा है कि मैंने अब वहाँ पर सारा क्लियर कर दिया था। अभी मैं आप लोग को एक न्यूज़ बताने वाला हूँ कि इसमें क्या आने वाला है, कि इनके जो इम्प्लॉयज़ है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट इसे डी इन्वेस्टमेंट की बात करी तो मैंने वहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर के नाम लिए थे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें वो जो इनके इम्प्लॉय है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हाँ किसी और प्राइवेट फंड के जरिए इसमें करेंगे, लेकिन वो एक अपने एम्प्लॉय कोटा जो होता है उसके थ्रू इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये लग रहा है कि एम्प्लॉय का सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है लास्ट इतने सालों से, तो उनका सबसे ज़्यादा भरोसा इसके ऊपर होने की वजह से इन्हें लग रहा है कि इतने कम रेट पर इनको मिल रहा, तो ये यहाँ से अच्छा खासा इन्हें एसेट या बना के जरूर देगा। तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे जी न्यूज़ ने इसमें कवर किया कि क्या क्या चीज़ें कैसे करके प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ें के बारे में कवर किया। फिर मैं लास्ट में आपको वो जो लास्ट वीडियो की क्लिप डाल दूंगा, जिससे आपको ईजी पड़ जाए किसी के फंडामेंटल जानने में, और जो मैंने बातें करी इसकी 500+ के लेवल की इसकी वैल्यूएशन है। फटाफट ये स्टूडियो में होने का बड़ा फायदा है एक्चुअली, हाँ है ना, खबर आती तुरंत आगे भाग कर बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बता रहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे से बड़ी खबर आई है कि विनिवेश में इम्प्लॉयज भी अब यहाँ बोलियां डालेंगे कंपनी के लिए। क्या बात है, अच्छा। जी हाँ, 400 इम्प्लॉयज तैयार हैं और कंपनी के लिए बोलियां डालेंगे, और इसमें ये क्राइटेरिया जो एक मीट करते हैं वो 200 करोड़ का वो मीट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए एक्टिवली यहाँ ढूंढ रहे हैं जिनके साथ वो ये बोली डालेंगे। और मुझे बताया गया कि 3 ex CMD और डायरेक्टर फाइनेंस इनके पास स्पेशल राइट्स एज पर यू नो बिड डॉक्यूमेंट हैं, और उसकी वजह से वो यहाँ अलाउ हुए हैं बिड करने के लिए। आपने देखा था एयर इंडिया में भी ऐसा हुआ है, एयर इंडिया में भी इम्प्लॉयज ने आके बिड किया है कि वो कंपनी खरीदेंगे और चलाएंगे, तो यहाँ उसी तरीके की एक इंडिकेशन है जिसमें आप देखिए इंटरेस्टिंग है। शिपिंग कॉरपोरेशन में अब 63.75% जो सरकार स्टेक बेचना चाह रही है, जिसकी लास्ट डे बोलियों की 13 फरवरी तक है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, तब तक इनके पास समय है, सो अबाउट अ मंथ और सो। और 2600 करोड़ रुपए अगर हम करेंट वैल्यू देखें स्टॉक की, तो 2600 से 3000 करोड़ रुपए तक का आप वैल्यूएशन अगर देखिए, तो अभी यहाँ पर इम्प्लॉयज भी दावेदार हैं। नहीं, एम्प्लॉयज मतलब साथ में पुराने जो रिटायर्ड सीएमडीज वगैरह उनके साथ मिलके चलाएंगे साथ। हाँ, तो वो उन लोगों ने साथ दिया है, उन्होंने कहा कि हम सब मिलके इसको चलाना चाहते हैं, और हमारी ये कंपनी क्यों किसी और। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल, इसमें दो चीजें मैंने है ना लाइफ में एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है, आमतौर पर जो भी कंपनियां पब्लिक इश्यू लाती है ना उनमें एक एम्प्लॉय कोटा होता है। बिल्कुल। और वो एम्प्लॉय कोटा कभी नहीं भरता आमतौर पर, इसलिए नहीं कि उन एम्प्लॉयज के पास पैसे नहीं है, इसलिए कि उन एम्प्लॉयज का है ना कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप दिन भर रहते हो ना उसी कंपनी में, तो कंपनी के बारे में आपकी वो ओपिनियन इतनी बढ़िया, ओपिनियन बाहर से वालों की जो ओपिनियन इतनी बढ़िया होती है वो अंदर वालों की नहीं होती, ठीक है, तो उस चक्कर में भरता नहीं। इस लिहाज से शिपिंग कॉरपोरेशन की ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिपिंग कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि इस कंपनी में दम है, हम और हमारे पुराने सीएमडीज वगैरह मिलके इस कंपनी को चला सकते हैं और हमें मिलके बोली लगानी चाहिए, यानी काम तो वही करेंगे। बिल्कुल, पैसा लगाने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर आ जाए, ये बड़ी गेम चेंजर और बढ़िया खबर है। बिल्कुल, ये बताती है कि वाकई में कंपनी में कितना दम है। इसको इस एंगल से देखिए, ये मत सोचिए कि एम्प्लॉयज बोली लगा रहे तो यार एम्प्लॉयज तो छोटे नहीं होते, काम तो एम्प्लॉयज करते हैं भाई, पैसा तो लगा लेगी सरकार या प्रमोटर लगा लेंगे, काम कौन करेगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं अगर उनका कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, हम चला सकते हैं, खाली हमें पर हमारे पास भाई सीधी सी बात है शिपिंग कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के पास कहां से पैसे होंगे इतने सारे, तो पैसे के लिए उनको फाइनेंशियल पार्टनर चाहिए, कहीं ना कहीं उसका इंतजाम हो जाए। अच्छा, जो आदमी फाइनेंशियल पार्टनर खरीद रहा है कंपनी को, सपोज किसी दुबई पोर्ट वर्ल्ड टाइप के या किसने इन्होंने के कौन सी जो भी इसके लिए मार्क्स वगैरह जो है उन्होंने खरीदी थी, तब तो ठीक है कि उनको शिपिंग का बिजनेस का अंदाजा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड खरीदेगा तो उनको थोड़ी बिजनेस चलाने आता है, तो उनको तो ऐसे लोग चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर फोकस करिएगा। तो ये है डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बढ़िया खबर है, और इसको कहते हैं कुछ बायआउट मैनेजमेंट बायआउट इस तरीके, जो अमेरिका में जो पढ़ाई करके आए कनाडा में, जरा कुणाल जी की नॉलेज में, कुणाल जी ऐसा वहां होता है ना अमेरिका में बहुत सारा ऐसा। अनिल जी बिल्कुल होता है अनिल जी, और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई अनिल जी, इसको लेवरेज बायआउट कहते हैं वहां पर। और एक जमाना था अनिल जी 80s का दशक था, जब 80s और 90s में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज में LBO यानी कि लेवरेज बायआउट हुए, तो उसमें अनिल जी जो मैनेजमेंट के बड़े लोग होते हैं वो बड़े PE फंड के साथ जुड़ जाते हैं,
और जैसे आपने अनिल जी बताया कि मैनेजमेंट एक्सपर्टीज तो उनके पास होती है, उनको केवल कैपिटल की जरूरत होती है, और कैपिटल अनिल जी बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि इन लोगों को कंपनी चलाने की पूरी इनमें क्षमता होती है, काबिलियत होती है और एक्सपीरियंस होता है। तो अनिल जी ये बहुत अच्छा तरीका है, और अनिल जी अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एक बड़ा प्रेसिडेंट मेरी राय में सेट होगा। तो अनिल जी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन वाकई में मैनेजमेंट के लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिल जी चलिए ये है बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और अमेरिका में लीवरेज बायआउट या मैनेजमेंट बायआउट जिसे बोलते हैं कि चलाने वाले लोग अलग, पैसा लगाने वाले लोग अलग, और दोनों मिलकर कंपनी को ले जाते हैं नई ऊंचाइयों पर। अगर ऐसा ही कुछ शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए होता है तो वो बड़ा जबरदस्त होगा। एक और चीज समझ लीजिए, इन सारी सरकारी कंपनियों में, डाइवेस्टमेंट वाली कंपनियों में दो तरह की तेजी बनेगी। पहली तेजी वो बनेगी जो डाइवेस्टमेंट के पहले की, और दूसरी तेजी वो बनेगी डाइवेस्टमेंट के बाद इनके नए मालिक कौन, वो कंपनी को किस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो अभी आपको जल्दबाजी करके स्टॉक बेचना नहीं कि 90 हो गया या 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तो आप रखिए, आने दीजिए, नया प्लेयर, नया खिलाड़ी, नया प्रमोटर कौन आ रहा है उस पर फोकस करिए। आइए अब करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत, और लंबी छुट्टियों के बाद बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल। तो मैं बहुत कम ही बोलता हूँ कि जिसमें आग बंद करके पैसा लगा सके, ये शेयर उन शेयरों में से कुछ है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा शेयर है जिसमें आप आग बंद करके पैसा डाल सकते हैं। अब मैं किस रीजन से कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ा रीजन क्लियर कर दूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ये आर्टिकल अभी आया था फ्राइडे के आसपास में, तो इसमें कहा गया है कि डी इन्वेस्टमेंट करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और क्यों करेंगे, या जैसे कि बजट आ रहा है तो उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फंड कर सके, और उसके अकॉर्डिंग तो कंपनीज है कुछ उनको डी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे LIC की बात करते हैं उसे डी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ प्रोसेस था वो हो नहीं पाया, लेकिन उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बेहतरीन ऑप्शन मिला है उनको फाइनेंस मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि हम इसको डी इन्वेस्टमेंट करके इससे पैसा जुटाएंगे, और इसको अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, तो उसमें अच्छे अच्छे कहा है कि इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि अदानी दिखा रहा है, वेदांता दिखा रहा है, जी शिपिंग दिखा रहा है, दुबई पोर्ट वर्ल्ड वाला दिखा रहा है, SS शिपिंग्स भी दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, तो इसमें लेने के लिए इसमें आ रहे हैं। तो इसके पीछे ये लोग क्यों आ रहे हैं वो आप फंडामेंटल देखेंगे, और इसके जो आगे के इसके जो ये काम जो करते हैं उसको देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इनकी वेबसाइट पर आपको लेके आया हूँ, पूरे आपको पता होगा जैसे बंदरगाह होते हैं उस जगह को पूरी तरह से कवर करती है। और वैसे तो मेरा मानना है कि डी इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी में कर रहे हैं तो एक तो आपकी तरह एक्सेट की तरह होती है, उसको सही टाइम पे यूज़ करना होता है, लेकिन अगर डी इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप लेती है या फिर उसके जो डी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह उपयोग करती है, और ऐसे ही जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरह अगर कोई ऐसी कंपनी या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाती है जो एक अच्छा खासा कैश जनरेट करती है इसी के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि डी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जैसे कि LIC को भी नहीं, वो अच्छा खासा कैश कंच कर रही है। जो नॉन प्रॉफिटेबल है अगर उसको बेचे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल को बेचती है तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं रहता है। अगर उसके जगह पे आप एक अच्छा ऑप्शन लाते हैं तो आपको बेटर रहेगा, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ ऐसे ही आप करते हैं उसको सिर्फ एक खर्चे के रूप में ही कर देते हैं तो वो एक आपके लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन चलिए हम तो अभी बात कर रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड कि इसका फ्यूचर क्या आने वाला, और जो इसकी प्राइस की मैंने बात की 80 से 500 के लेवल पर जाने की, वो भी आपको करेक्ट लेवल पर समझाऊंगा कि किस फंडामेंटल तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनकी वेबसाइट पर आ चुका हूँ, जैसे कि आपको पता होगा ये सारे रूट कवर करते हैं, जैसे कि इन्होंने रूट अपने कर रखे हैं यहाँ पे, ये ब्लू पूरे वर्ल्ड के आसपास में देख रहे होंगे सारे बंदरगाह को कवर करते हुए, इन्हें रूट रूट पे ये जाती है, और इनमें बताया गया कि कितनी कैपेसिटी और अपनी मरीन टाइम, मतलब जो हमारे पानी के नीचे जो हमारे सेना है मतलब नेवी है उनको अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे टैंकर्स हो गए, बुल कैरियर्स हो गए, कंटेनर, ऑफशोर ब्रेक, बुल कोस्टल एंड पैसेंजर सर्विस, चार्टरिंग, लाइटरेज, ड्राई डॉकिंग, शिपिंग, वेल्डिंग, कंसल्टी, इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा मुझे नहीं लगता इसको सेल आउट करने, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है, और अगर इससे जो पैसे जनरेट होता है या फिर जो भी इनका पैसा आता है अगर इस पैसे को अगर यूज़ करें अगर पूरे इंडिया में या फिर जिस जिस जगह पे यूज़ करना चाहिए जरूरी रहता है उसी जगह पे यूज़ करें तो करें तो ठीक रहता है। लेकिन अभी हम सिर्फ शेयर होल्डर की पैटर्न से ही देखेंगे, अभी देशभक्ति नहीं दिखाएंगे। अभी जब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस रेट पे अगर आपने बाई करा 80s के लेवल पे
तो आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अभी जो यहाँ से सडन जो आया 50 रुपीज के से ये ऊपर भागा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। देखिए हमें डी इन्वेस्टमेंट के अभी तक बताया नहीं गया था, तो जिन लोगों को यहाँ पे इनसाइडर न्यूज मिल गई है कुछ भी हो गया, तो 52 के लेवल से देखिए कहाँ से कहाँ शूटअप होके गया है। और जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन। मतलब 50 के लेवल पे ले तो 30 रुपये का प्राइस मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% या 40% के आसपास उन्हें रिटर्न मिल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया। आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि इसमें जो LIC का स्टेक है वो सब दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा में, इसमें इन्होंने होल्डिंग कर रखी है। और LIC का तो आपको पता ही है कैसे करके वो इन्वेस्टमेंट करती है, अब लोगों से पैसा लेके उसे भी आप लोगों को मेच्योरिटी के टाइम पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। तो वहां पे जो उनके फंड मैनेजर होते हैं वो अच्छे सेफ जगह पे अब इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको वहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो मैं बता रहा हूँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा स्टेक LIC के हैं, और LIC का आपको बताइए उन्हें हम जैसे लोगों जो प्रीमियम भरते हैं उनको भी अच्छा खासा मेच्योरिटी पे पैसा देना होता है, तो वो भी चाहते हैं कि जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वहाँ से एक बेहतर रिटर्न मिले, और हम जो मेच्योरिटी पे पैसा देने वाले हैं और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट से हम निकाल सके। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें से एक है, और ये जो 80 के लेवल पे चल रहा है यहाँ पे आप ले सकते कि नहीं ले सकते, उस रेट को भी मैं लास्ट में डिफाइन करूंगा, पहले फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली तौर पर दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ इसके, जैसे कि मार्केट रेट अभी 81 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन की बात करेंगे पहले, वैल्यूएशन इसकी जो है देख लिए 3910 की। अब इसकी कंपैरिजन मैं किससे करता हूँ, ज्यादातर मैं करता हूँ आप रिजर्व से करता हूँ, और सेकंड फिक्स एसेट से करता हूँ कि उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंशियल्स में आएंगे, ये चीज़ें मैं वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं इसको ऊपर हिडन कर देते हैं, मैं आप लोगों के लिए हिडन नहीं करता, आप आके खुद वेबसाइट को विजिट कीजिए तो आप दो चार चीज़ें और एक्स्ट्रा सीखेंगे, और वीडियो में आके खुद बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, ये मैंसन करना भूल गया, तो वहाँ पर मैं ज़रूर पिंड कर देता हूँ उस चीज़ को जो चीज़ छूट जाती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आ गए तो देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट इन्होंने अच्छा खासा एवरेज के हिसाब से 800 या 900 के आसपास में बिल्कुल अच्छे तरह से मेंटेन कर रखा है। अगर 5 साल का सॉरी 5 क्वार्टर का मैं देखूं तो अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन कर रखा है, वहाँ पे अच्छा खासा EBIT इनका अच्छा जनरेट हुआ है। और अगर मैं हाँ मैं वही बात कर रहा था वैल्यूएशन की कंपेरिजन करता हूँ रिजर्व से, रिजर्व देख रहे हैं 7017 के पास, और वैल्यूएशन आप देख रहे थे 4000 करोड़ के आसपास में, देख रहे कितने जमीन आसमान का फर्क है। इसी से हम रिजर्व से पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी अंडर वैल्यूड हो रखी है अभी इसी अकॉर्डिंग, अगर मैंने फिक्स एसेट भी अभी नहीं जोड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे इस पर लाइबिलिटीज भी तो होगी, लाइबिलिटीज की कंपेरिजन अगर एसेट से करूंगा तो आप देख के भी वहां पे भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन अभी इससे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि कितना गवर्नमेंट के पास में है और कितना पब्लिक में है, उससे हमें थोड़ा जस्टिफाई मिल जाता है कि किस शेयर को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। जैसे कि मैं प्रमोटर के इसमें लेके आ गया हूँ आपके लिए, 63.8% के आसपास में है। इसमें से डी इन्वेस्टमेंट करेगी जैसे मैंने बताया सर जी अदानी वेदांता जैसे, इसमें अभी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, काफ़ी बल्क क्वांटिटी में करेंगे, ये नहीं कि जैसे 100-200 लिए, वो अच्छे खासे परसेंटेज में लेंगे और उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो एफएफआईज भी मेरे ख्याल से एंट्री ज़रूर लेंगे अगर डी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर अच्छे प्राइस में मिलेंगे तो वो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे। DIS का देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवर है, और पब्लिक में 19.9% में, तो 10% में LIC वालों का ही है, मैं वो भी फिगर आप लोगों को ले तौर पर कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस रेट को जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ टेक्निकल्स में ला के कि यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ में ले गया यार, लेकिन अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा एक रिट्रेस करके ऊपर की तरफ में जाता तब ही हम एंट्री लेंगे, लेकिन अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हाइप के चक्कर में ही ऊपर गया, तो ये फेक ब्रेकआउट में एंट्री ना करें। जैसे लोग यहाँ पे 90s के आसपास मेरे ख्याल से फंस गए होंगे थोड़ा बहुत, और चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी यहाँ से रिकवर होंगे, लेकिन वो कितने टाइम होंगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए री इन्वेस्टमेंट की बात आते ही यहाँ से थोड़ा सा एक वीक बना के ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन अभी हम एंट्रीज का देखेंगे किस हिसाब से करना है, तो पहले थोड़े और फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को मेन चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, जिसमें मैं सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कि आप पिछले साल के कंपैरिजन किया जाता वहाँ से अच्छा खासा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट जैसे नेगेटिव में थी वहाँ से 0.2 के आसपास हुआ है, और EBIT के कंपैरिजन करके मार्च 2019 से वहाँ से 171 से EBIT 711 करोड़ के आसपास में आया, तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बताता है इस कंपनी की, और ये कभी
इतना ज्यादा अंडर वैल्यूड है कि आप समझ ही नहीं सकते। आप इसमें पैसा जब भी वो डालेंगे आपको अच्छा खासा आनी, नहीं तो एसेट आपकी अच्छी खासी बना के जरूर देगा। मैं इसका 5 साल का भविष्य 500 से ऊपर का ही देख रहा हूँ और इसकी वैल्यूएशन उससे ऊपर जानी जरूर चाहिए। और जैसे कि अगर मैं ऑल टाइम की बात कर लूँ तो फिर भी देखेंगे कि किस हिसाब से ये ऊपर की तरफ में गया है। इधर से 200 रुपये के आसपास में है, तो इस वैल्यूज के नहीं तो 100 तो ये क्रॉस करके 150 के ऊपर के लेवल के तो रहने ही चाहिए। अगर डी इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे तरीके से होती है, वहाँ पे बिड अच्छे खासे तरीके से आता है, तो इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। नहीं तो वैसे भी अभी अंडर वैल्यूड ही है, तो इसकी वैल्यूएशन के कंपेरिजन मैंने आप लोगों को दिखाई वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ वैल्यूएशन के उस पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाले मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे कितना इसने इसको कैलकुलेट करा और बताया कितना अंडर वैल्यूड है, और फेयर वैल्यू 592 के आसपास में है। अगर इसकी कंपेरिजन करंट प्राइस 83 से की जा रही है तब भी, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ सकता है इस चीज़ के बारे में। तो इसमें बताया गया कि हाउ द शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फोरकास्ट टू परफॉर्म इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ठीक है, इसमें ज़्यादातर अभी कुछ क्लियरली तौर पे नहीं बताया गया कि किस हिसाब से करा गया है, और अभी इसकी इनसफिशिएंट डाटा की वजह से थोड़ा सा दिखाया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पास्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ये यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ। रेवेन्यू देख रहे हैं 45 बिलियन ईयर्स करता है और जिसमें से अर्निंग उसकी होती है 8.85 बिलियन के आसपास में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे 19 से 20% के आसपास बढ़े। तो यहाँ से इसकी प्रोडक्शनल बताता है और फाइनेंशियल हेल्थ में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एसेट की कंपेरिजन अगर लाइबिलिटी से करें तो बहुत ज़्यादा ही कम है, कि 112 बिलियन के आसपास है वही लाइबिलिटीज और 18 के है। और इसको शॉर्ट टाइम के साथ भी कंपेरिजन मर्ज करूँ तो भी इसके एसेट्स के मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप बाय चांस को सोचते हैं डिफॉल्ट भी कर दिए तो भी इसके एसेट सरवाइव कर जाएंगे और आपका पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और वही मैं ओनरशिप की बात पे आ रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि LIC की इसमें होल्डिंग है जो कि सेकेंड नंबर पर आ रही है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 10.05% के आसपास है, इन्होंने अच्छा खासा पैसा डाला हुआ 3 बिलियन के आसपास में। यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है, ICICI बैंक का है। अगर जो मेजर मेजर की बात करें, ICICI प्रोडक्शन एसेट मैनेजमेंट का है, बैंक अलग होता है, म्यूचुअल फंड वाले अलग होता है। ठीक है, वो समझ लिया। SSBC ने डाला, PNB बैंक वालों ने डाला अपना पैसा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा किया और बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में कर रखे, 3 बिलियन जब समय 300 करोड़ के आसपास में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलता है ऐसे जैसे शेयरों का, जो ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को बना सकते हैं। और जो पता चलता है कि इन लेवल पर जिन्होंने LIC जैसे बंदों ने डाला है, तो अच्छे खासे फंड मैनेजर पढ़े लिखे लोगों ने बिल्कुल वैल्यूएशन के आधार पर इसके फंडामेंटल को जानने के वजह से लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एंट्रीज कब करनी चाहिए। अभी तो मैंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 50 के लेवल बहुत ही बेहतरीन वैल्यूज थी और मुझे लग रहा है अगर मैं इस ऊपर के लेवल से मैं एंट्री करूँ तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ और शॉर्ट टाइम के बारे में सोचता हूँ तो शायद मुझे जल्दी बेनिफिट ना मिले, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रख रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है, जैसे मैंने वैल्यूएशन और सारी फंडामेंटल चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाई। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखूंगा, अगर शॉर्ट टाइम में मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला तो वहाँ पे मैं 30 से 40% की क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा। जैसे अगर मैं इसे 1 डे के बना देता हूँ, उसमें आपको क्लियरली तौर पर दिख जाएगा, या 200 DMA को उसने रिस्पेक्ट करा, उसी के यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा। कंसोलिडेट होते होते यहाँ पे जैसे डी इन्वेस्टमेंट की बात आई, यहाँ पे 54 से लेके 84-89 के आसपास में इसने अच्छा खासा सडन दिखाया। लेकिन अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो यहाँ पे थोड़ा काटे, और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल अगर मिले मुझे तो ही मैं एंट्री लूँगा। उससे पहले एंट्री लेने में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे थोड़ा डाउनवर्ड चला गया तो एक अच्छी खासी आपका कैपिटल फंस जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम खराब कर देगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देख के या फिर एक थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है 70 या 75 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे जरूर एंट्री कीजिएगा। लेकिन इस वैल्यूएशन पे भी ले रहा तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट कर सकते हैं।
और थोड़ा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी पे। उससे कुछ सडन पॉइंट छूट गए हैं तो मुझे कमेंट करके जो बताइएगा, मैं वहां पे उस चीज को पिन कर दूंगा। और मैं जैसे मैंने आपको एंट्री लेवल बता दी, आप जहाँ पे भी एंट्री करें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर करें, 30-40% अपनी क्वांटिटी का, तो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। मेरी साइड से ये था इस पर छोटा सा रिव्यू। अगर आपको कुछ चीज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो मैं कमेंट में जरूर पूछेगा, या फिर आपने क्वांटिटी होल्ड कर रखी है तो वो भी हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।